गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को अनुच्छेद लेखन बताने जा रही हूँ। अनुच्छेद लेखन, जिसको इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अनुच्छेद किसे कहते हैं। किसी विषय का संक्षेप किंतु स्पष्ट वर्णन करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद में एक ही विषय को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी विषय का संक्षेप, संक्षेप यानी छोटा, यानी कि हमारे पास कोई टॉपिक है, उस टॉपिक का हम एक छोटा वर्णन करते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से। स्पष्ट का मतलब कोई टॉपिक हमने लिया, हमने थोड़े ही शब्दों में उसको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया, उसका जो वर्णन किया, उसके बारे में जो बताया, वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया, वही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद में एक ही विषय को संक्षिप्त रूप में, इन लाइनों के कहने का सेंस ये है कि टॉपिक एक ही होता है और उसी टॉपिक को छोटे यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, शॉर्टकट में लिखा जाता है, लेकिन भले ही वो थोड़ा होता है, लेकिन उस विषय को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया जाता है कि जो टॉपिक लिया गया है वो, उसका मतलब है क्या और अनुच्छेद में हम उसको पूरी तरह से किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक टॉपिक है समय का सदुपयोग, तो समय के सदुपयोग के बारे में हम इस तरीके से बताएंगे, उसका वर्णन इस तरीके से करेंगे कि थोड़े में ही हम समय की महत्ता को पूरी तरीके से बता देंगे। यानी देखा आपने कि किसी विषय पर मन में आने वाले भावों और विचारों को 8-10 वाक्यों में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको मतलब इसी अनुच्छेद का हर तरीके से एक डिफरेंट भले ही वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन सेंस एक है कि किसी विषय पर, कोई एक टॉपिक है हमारे पास और उस टॉपिक पर मन में हमारे जो भाव आते हैं, हमारे जो विचार आते हैं, अगर मैंने आपको वो टॉपिक बताया समय का सदुपयोग, तो हम उस टॉपिक को देखते ही हमारे मन में जो टाइम की इम्पोर्टेंस है, समय की महत्ता है, उससे लेके मन में हमारे विचार आने लगते हैं, हमारे मन में भाव आने लगते हैं। तो हम अपने उन्हीं भावों और विचारों को जब संक्षिप्त रूप में 8-10 वाक्यों में लिख देते हैं तो वो अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अब हम देखेंगे कि अनुच्छेद लेखन में कि हम अपने मन के भावों और विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट करते हैं। मतलब हमारे जो मन में उठने वाले भाव और विचार हैं, उनको प्रकट करने के लिए यानी उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं। जैसे कभी हम उस टॉपिक को विस्तार का मतलब उसका वर्णन करते हैं, लंबा चौड़ा, विस्तार का मतलब होता है लंबा चौड़ा विस्तार करना, मतलब उसको अच्छे से बताना, काफ़ी शब्दों में, कम अधिक से अधिक शब्दों में जताना। फिर कभी संक्षेप में, संक्षेप यानी शॉर्टकट में, कभी हाँ, हूँ, ना, नहीं आदि कहकर, मतलब या तो हम उस विषय पे, कभी हमको बहुत ज़्यादा वाक्यों की ज़रूरत नहीं है तो हम छोटे शब्दों में ही उस वाक्य को हाँ, हूँ, ना, नहीं, ऐसे कि आपको पढ़ने का मन है, आपने कहा हाँ, मन है, नहीं, सुना आपने, इस तरीके से जब आप ऐसे शब्द बोलते हैं तो वो हो जाता है कि छोटे छोटे वर्ड्स के ज़रिए भी हम अपनी बातों को, अपने मन के भावों को और विचारों को सामने वाले को जाहिर करते हैं। कभी सिर अथवा हाथ आदि हिलाकर, यानी कभी हम अपना सिर हिला देंगे हाँ या नहीं में, या कभी मना करना है या हामी भरना है तो अपने हाथों के ज़रिए हिला करके हमने उस चीज़ को जताया। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ को, किसी भी चीज़ को जताने के लिए जो हमारे मन में भाव और विचार प्रकट होते हैं, हम उनको कई तरीके से जता सकते, कई तरीके से प्रकट कर सकते, कई तरीके से बता सकते, उनका विस्तार रूप दे करके, संक्षेप में, छोटे छोटे शब्दों के ज़रिए कह के भी हम बता सकते हैं। तो एक प्रकार से ये भी हमारा अनुच्छेद लेखन का एक पार्ट है। अब देखिए, अनुच्छेद लेखन में विषय से संबंधित व विषय के सकारात्मक पक्ष को ही लिखना चाहिए। इसमें सभी वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए।
देखिए, आप इस लाइनों को समझने की कोशिश करिएगा कि अनुच्छेद लेखन में विषय से संबंधित, यहाँ पे कहने का सेंस यह है कि अगर हमको टॉपिक मिला है समय का सदुपयोग, तो हमको सिर्फ और सिर्फ समय के सदुपयोग के बारे में ही बताना है और विषय के सकारात्मक पक्ष को ही। सकारात्मक पक्ष का मतलब होता है पॉजिटिविटी, समय की इम्पॉर्टेंस हमारे जीवन में क्या है, हमें उसका पॉजिटिव व्यू ही दिखाना है, एक उसका सकारात्मक पक्ष ही बताना है। देखिए, यहाँ पे सकारात्मक शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि निबंध में आप अगर आपने देखा इंटरनेट से लाभ हानि, तो वहाँ पे जहाँ आप उसका लाभ बता रहे हैं उसका, वहीं पे उसका हानि बता रहे हैं, और जहाँ हानि है वो उसका नकारात्मक पक्ष हो जाता है, लेकिन अनुच्छेद में हम सिर्फ सकारात्मक पक्ष ही बताते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि विषय से संबंधित होना चाहिए और विषय का वो पॉजिटिव व्यू ही लिखा जाना चाहिए और सभी वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। मीन्स अगर आप समय पे एक अनुच्छेद लिख रहे हैं तो हर वाक्य एक दूसरे से कोरिलेट होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वाक्यों का आपस में कोई तालमेल नहीं है, कोई भी सामंजस्य नहीं है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं बताऊं कि आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं एक अनुच्छेद को कितने तरीके से आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर आप इन सभी को देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो सबका सेंस एक ही है कि एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का, जहाँ पे इसके पहले वाले में आपने देखा कि वाक्यों का एक दूसरे से संबंध होना चाहिए, यहाँ पे उसी लाइन का ये अर्थ है कि जो वाक्य हैं वो एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, मतलब ऐसे वाक्यों का समूह बनाना चाहिए और किसी एक विषय का उसमें जो वर्णन किया जाता है, छोटा सा संक्षिप्त वर्णन, वो अनुच्छेद लेखन कहलाता है। फिर देखेंगे अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में फ़र्क किस तरीके से है कि जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं। देखा, जैसा आपने इसके पहले पढ़ा था कि हम कभी विस्तार से, कभी संक्षिप्त रूप से, कभी हाँ हूँ ना नहीं, ऐसे छोटे छोटे शब्दों के प्रयोग से अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद और निबंध लेखन में एक फ़र्क जताया गया है कि जब हम किसी विषय पर अपने भाव या अपने विचार को प्रकट करते हैं विस्तार रूप से, उसे निबंध लेखन कहते हैं। मतलब जहां हम एक किसी भी टॉपिक पे एक उसका एक लंबा चौड़ा भाग लिखते हैं, उसका सकारात्मक पक्ष, उसका नकारात्मक पक्ष, उसमें प्रस्तावना, उपसंहार, ये सारी चीज़ें लिखते हैं, वहां पे निबंध लेखन होता है। लेकिन जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यानी कि जहाँ उसी विषय का एक छोटा रूप होता है, हम उस छोटे रूप के बारे में ही, उन्हीं छोटे रूप में ही, थोड़े शब्दों में ही, थोड़े वाक्यों के ही जरिए हम उसी टॉपिक को जो निबंध में हमने बढ़ा चढ़ा के लिखा था, हम अनुच्छेद में थोड़े शब्दों में ही बातों को पूर्ण करते हैं, उस विषय को कंप्लीट रूप से व्यक्त करते हैं, वो अनुच्छेद कहलाता है। मीन्स निबंध लेखन में विस्तार रूप से प्रकट करते हैं और अनुच्छेद में उसी विषय को हम संक्षेप में बताते हैं। अब हम एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। 100 शब्द मीन्स 100 वर्ड्स। अनुच्छेद पैराग्राफ राइटिंग, तो पैराग्राफ कितना होता है आप ये समझते हैं कि उसमें 100 शब्द होने चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 100 शब्द कह दिया, तो 100 का मतलब आपको 100 शब्द से ही नहीं मतलब है, आपको खुद क्वेश्चन पेपर में मिलता है कितने वर्ड्स का लिखना है, तो आप उन शब्दों को, उन वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लेखन करेंगे। वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े हों।
आपने देखा इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। तो यहाँ पे इन बातों का हमें ध्यान रखना है, ख़ास तौर से कि वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए लेकिन हर वाक्य एक दूसरे से कोरिलेट होने चाहिए। फिर भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो। सरल का मतलब ऐसे वर्ड्स हम यूज़ नहीं करेंगे जो थोड़े से कठिन शब्द हों, टिपिकल वर्ड्स हों। सरल होने चाहिए लेकिन वो सरल शब्द भी इफेक्टिव होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए। अगला, अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने आपको ये भी बताया कि निबंध लेखन में हम सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, प्रस्तावना, उपसंहार इत्यादि लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद में हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम नकारात्मक पक्ष नहीं लिखते हैं। दूसरा, इसमें भूमिका मीन्स प्रस्तावना और उपसंहार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख दें तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हम अगर किसी भी, अगर हमने समय का सदुपयोग लिखा और उस समय के सदुपयोग के बारे में बताने से पहले हमने उस टॉपिक से रिलेटेड कोई सूक्ति, सूक्ति का मतलब होता है जैसे कविता की कोई पंक्तियाँ हो गई, कोई एग्जाम्पल उदाहरण हो गया, इस तरीके से हम अगर कुछ भी लिख देते हैं तो जो हमारा अनुच्छेद है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। मीन्स पढ़ने वाले को ये चीज़ पता चलती है कि यानी कि लिखने वाले को इन सब की जानकारी है। ये एक प्रकार से आपके लिए एग्ज़ाम में भी ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। जैसे हमने लिख दिया समय का सदुपयोग में काल करे सो आज, आज करे सो अब, इस तरीके से कि समय की वैल्यू को बताते हुए हमने बताया कि जो काम हमें कल करना है वो हमें आज ही कर लेना चाहिए। तो इस तरीके के आप वर्ड्स लिख करके भी उस टॉपिक को प्रभावशाली बता सकते हैं। फिर इसमें मैं और भी चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि अनुच्छेद लिखते समय हम किन और बातों का ध्यान रख सकते हैं। कि अनुच्छेद लेखन में संकेत बिंदु या रूपरेखा अवश्य बनानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि संकेत बिंदु, यहाँ पे संकेत बिंदु या रूपरेखा, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि संकेत बिंदु आपको ऑलरेडी देखा जाए तो एग्ज़ाम में मिलता है। संकेत बिंदु का मतलब होता है पॉइंट्स, कि आपको पॉइंट्स मिलते हैं और आपको उसी पॉइंट्स यानी कि हेडिंग के ज़रिए ही, उन्हीं हेडिंग को ले करके ही उस विषय के बारे में बताना होता है। तो कम से कम 2 या 3 पॉइंट्स ज़रूर दिए जाते हैं, हेडिंग ज़रूर दिए जाते हैं जिनको लेकर के ही आप उस विषय से संबंधित बातों को लिखते हैं। विषय से बाहर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। ये आप सबको पता है कि कोई भी चीज़ हम एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, जिन वर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिन बातों की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें उस टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं लिखना है जिसका उस टॉपिक से, उस विषय से कोई भी संबंध ना हो। अनुच्छेद लेखन में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, यानी अनुच्छेद लेखन में अनावश्यक विस्तार से बचें। मीन्स जो हमको विषय दिया गया है अनुच्छेद लिखते समय हमें जिन बातों की ज़रूरत नहीं है तो हम बहुत ज़्यादा बातें लिख करके उसको बहुत बड़ा नहीं करेंगे। विस्तार का मतलब बढ़ा चढ़ा के लिखा गया बातों को लिख करके बड़ा नहीं करेंगे, विस्तार उसका नहीं करेंगे, क्योंकि विस्तार से लिखी गई बातें निबंध में होती हैं। संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही लिखना चाहिए। संकेत बिंदु, जैसा कि आप फर्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं कि संकेत बिंदु या रूपरेखा अवश्य बनानी चाहिए, आपको ऑलरेडी संकेत बिंदु मिलेंगे, तो जो भी आप बातें लिखेंगे उस विषय से संबंधित उन्हें संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही लिखेंगे। अनुच्छेद लिखने की भाषा, भाषा शैली सरल, सहज, सजीव, प्रभावशाली व पठनीय होनी चाहिए। देखिए, इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद लेखन में भाषा सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए,
वही चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि सरल सहज, सरल का मतलब ईजी हो, सहज का मतलब जो ईजली समझा जा सके, सजीव का मतलब शब्द बहुत ही क्लियर हों, प्रभावशाली इफ़ेक्टिव हों पठनीय, यानी कि उनको पढ़ा जा सके। ऐसा नहीं है कि आपने लिख लिया और वो पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम इन सब चीज़ों का ध्यान में रखेंगे कि जो उसकी भाषा है सरल होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए और बड़ी आसानी से समझा जा सके। सजीव मतलब जो टॉपिक आप लिख रहे हैं उस टॉपिक का वर्णन जिस तरीके से कर रहे हैं देखने में वो सजीव लगे, कि जिसे सामने वो सारी चीज़ें आपके दिख रही हैं, बहुत इफ़ेक्टिव प्रभावशाली होना चाहिए और वो पढ़ने में आसान रहे। नेक्स्ट, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे छोटे छोटे वाक्य मतलब आपको बहुत बड़े बड़े वाक्यों को लिखने से बचना है। इसलिए बचना है क्योंकि कभी कभी जब वाक्य बहुत बड़े हो जाते हैं तो उन वाक्यों का को पढ़ने में कोई आपस का तालमेल नहीं होता है। जब वाक्य छोटे होंगे तो वो बात बहुत ही आसानी से समझे जा सकते हैं। शब्द सीमा 100 से 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए, शब्द सीमा यानी जो वर्ड्स हैं वो 100 टू 120 वर्ड्स, ये तो वर्ड्स आपको मिलेंगे। कितने वर्ड्स में लिखने हैं आपको ऑलरेडी बताए जाएंगे, लेकिन जैसे जब हम अनुच्छेद लिखें तो इस बात का हम खास तौर से ध्यान रखें कि उसके जो वर्ड्स हैं वो 100 से 120 से अधिक वर्ड्स नहीं होने चाहिए, 100 से 120 से अधिक नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे शब्दों की भी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट, विराम चिन्ह कॉमा आदि का ध्यान रखना चाहिए। विराम चिन्ह यानी कि जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उन सबको आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, कहाँ पे कॉमा है, अर्ध विराम है और विराम है, पूर्ण विराम है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद को लिखना चाहिए। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। आपने देखा, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि हमेशा सकारात्मक पक्ष को ही लिखना चाहिए, तो यहाँ पे कहने का वही सेंस है, हम इसमें दोनों पक्ष को नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी पक्ष का जिक्र नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस है, अंडरस्टूड है कि पक्ष हमेशा पॉजिटिव ही होता है, हम नेगेटिव लिख नहीं सकते। तो हम सिर्फ पॉजिटिव व्यू को ही देखेंगे, सकारात्मक पक्ष को ही लेकर के चलेंगे। अगला है, अनुच्छेद लेखन में विषय से संबंधित विचारों को क्रमवार तरीके से रखा जाता है ताकि उसे पूर्णता दी जा सके। विषय से हटकर किसी भी बात का उल्लेख नहीं करना चाहिए। देखिए, आप समझ गए कि इस लाइन में क्या कहा गया कि क्रमवार तरीके से रखा जाता है, यानी कि जो विषय हमें मिला है अगर समय का सदुपयोग है तो हम अपने विचार को उसी विषय को ध्यान में रखते हुए एक सीक्वेंस में कहेंगे बात। ऐसा नहीं कि हमारे हर वर्ड्स, हमारे हर सेंटेंस का आपस में कोई संबंध ना हो। इससे क्या होता है कि जब हम अपने सारे शब्दों को, अपने पक्ष को जब एक सीक्वेंस में रखते हैं तो उससे एक पूर्णता मिलती है, मतलब वो कंप्लीट अनुच्छेद दिखाई देता है, वो समझना आसान हो जाता है। विषय से हटके हमें किसी भी बातों का जिक्र नहीं करना है। अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में अवश्य लिखा जाता है। मुख्य विचार का मतलब आपको अगर कोई भी टॉपिक मिला है तो आप अपना एक व्यू ज़रूर देंगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड एक अपना विचार क्या हो सकता है। तो एक विचार हमको ज़रूर लिखना चाहिए, चाहे वो हम स्टार्टिंग में लिखें या हम लास्ट में लिखें। अनुच्छेद लेखन में कहावतें, मुहावरों, सूक्ति, कविताएं आदि का प्रयोग भी किया जा सकता है। देखा कि आप कहावत भी लिख सकते हैं, मुहावरे भी लिख सकते हैं, जैसे है कि काल करे सो आज, आज करे सो अब। तो इस तरीके की जो है ये सूक्तियाँ हैं,
कहावतें हैं, मुहावरे भी आप लिख सकते हैं, कविताओं की पंक्तियां भी लिख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखेंगे कि ये एक दो लाइन की ही होनी चाहिए। कुछ अंग्रेजी शब्दों जैसे इंटरनेट, टेलीविज़न, कंप्यूटर, फ़ोन आदि का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मीन्स यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि जब आप अनुच्छेद लेखन लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, तो आप अंग्रेजी शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? ये तो आप सबको मालूम है कि कुछ शब्द ऐसे हैं, क्योंकि हमारी हिंदी में विदेशी शब्द भी आए हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सारे वर्ड्स जो हैं इंग्लिश वर्ड्स हैं और हम इन्हीं का ही यूज़ करते हैं। तो आप इंटरनेट, टेलीविज़न, ये तो थोड़े से शब्द दिए हुए हैं, इसके अलावा भी कई वर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम अपने डेली यूज़ में करते हैं, तो हम उन शब्दों को इंग्लिश में, इंग्लिश का मतलब इसी तरीके से इंटरनेट, ऐसा नहीं आप वहाँ पे स्पेलिंग लिखेंगे कि INTERNET, नहीं ऐसा नहीं लिखना है आपको, मतलब उसको हिंदी में ही, उसके हिंदी के ही रूप में उसको लिखेंगे। तो ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक तो टॉपिक को पढ़ के बताऊंगी सिर्फ आपके समझने के लिए कि आपको कैसे अनुच्छेद लिखना है। पहला टॉपिक है मेरा मीठी वाणी। मीठी वाणी का मतलब मीठे बोल, कि ईश्वर ने मनुष्य को एक अद्भुत शक्ति दी है, मीठी वाणी। मीठी वाणी मनुष्य का वह गुण है जिसमें वह परायों को भी अपना बना लेता है, अपने आसपास के वातावरण को सहज और खुशनुमा बना देता है। मृदुभाषी के लिए संसार की कोई वस्तु अलभ्य नहीं है। मीठी वाणी वह वशीकरण मंत्र है जिससे मनुष्य दूसरों को अपने वश में कर लेता है या दूसरों के वश में हो जाता है। मीठी वाणी बोलने वाला व्यक्ति सदैव सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। वह स्वयं भी सुखी होता है, दूसरों को भी शांति और आनंद देता है। वह मृत प्राणों में भी जीवन का संचार कर देता है। एक दुखी और निराश व्यक्ति पर मीठे बोल जादू का सा असर करते हैं। उसके हृदय के घावों पर मीठी वाणी औषधि का काम करती है। कबीरदास जी के शब्दों में मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे मीठे बोल के बारे में बताया गया है। भाषा बहुत ही सरल थी, आपने इसके अर्थ को अच्छे से समझ लिया कि इंसान जब मीठे बोल बोलता है तो वो एक अद्भुत शक्ति होती है कि जिससे कोई भी पराया होता है वो अपना बन जाता है, क्योंकि हमारे मीठे बोल ही हमको सभी का प्रिय बनाते हैं। ये एक प्रकार से वशीकरण मंत्र है। वशीकरण मंत्र मतलब लोगों को अपने वश में करने वाला मंत्र है, क्योंकि जब आप मीठे बोल बोलेंगे तो आप लोगों के लिए प्रिय बन जाते हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा मधुर वचन है औषधि, मधुर वचन मीठे बोल दवा के समान है और कटुक वचन है तीर। कड़वे वचन बोलने वाले इंसान के जो शब्द हैं वो तीर के समान किसी के हृदय में चुभ जाते हैं। तो आपने देखा कि इसकी भाषा कितनी सरल और प्रभावशाली थी। हर बातों का जो जिक्र था वो विषय से संबंधित था, मतलब मीठी वाणी जो विषय है इससे संबंधित था। इससे समझना बहुत ही आसान था। वर्ड्स भी बहुत कम हैं। लास्ट में एक सूक्ति कहावत आपने देखा उसका प्रयोग हुआ है। अब मैं आपको एक समय का सदुपयोग का अनुच्छेद पढ़ के बताने जा रही हूँ। समय का सदुपयोग। मानव जीवन में समय अत्यंत मूल्यवान है, साथ ही यह घड़ी की टिक टिक करती हुई सुइयों हमें निरंतर यह संदेश देती रहती हैं, जो समय बीत गया वह लौटकर कभी नहीं आएगा। समयानुसार काम करने वाले व्यक्ति
आपको असफलताओं का मुंह नहीं देखना पड़ता। समय के सदुपयोग से अभिप्राय है, प्रत्येक पल को उपयोगी कार्य में व्यतीत करना और जीवन के एक भी क्षण को निरर्थक न जाने देना। समय का सदुपयोग करने से हमारे जीवन में व्यवस्था के साथ साथ निश्चिंतता भी आ जाती है। हमारे सभी कार्य सुचारू रूप से समय पर पूरे हो जाते हैं। हमें अध्ययन, पठन पाठन, सामाजिक कार्यक्रम, पर्यटन, मनोरंजन आदि सभी के लिए उचित समय मिल जाता है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करते, वे सदा पछताते रहते हैं और उन्हीं के लिए संभवतः कहा गया है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। महाकवि तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में इसी तथ्य को उजागर करते हुए लिखा है, का बरखा जब कृषि सुखाने, समय चोक पुनि का पछताने। अंग्रेजी में कहावत है, टाइम इज मनी। जगत गुरु शंकराचार्य ने स्पष्ट कहा है कि समय को खोना जीवन की अपूर्णीय हानि है। प्रत्येक देश का इतिहास गवाह है कि महापुरुषों, वैज्ञानिकों, लेखकों ने अल्पायु में ही महान कार्य कर डाले, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक क्षण का सदुपयोग किया। समय शक्तिमान है तथा उसके साथ रहता है, मतलब तथा जो उसके साथ रहता है उसका सम्मान करता है, वह स्वयं ही सिद्ध व सफल व्यक्ति बन जाता है। तो आपने देखा, इस टॉपिक में समय से ही संबंधित बातें कही गई हैं। कहीं भी बातों का जो एक सीक्वेंस है, एक जो ब्रेक है, वो नहीं टूटा। ऐसे ऐसे उदाहरण दे करके कि का बरखा जब कृषि सुखाने, कि मतलब ऐसे टाइम पे बारिश होने का कोई फायदा नहीं होता जब पूरी की पूरी कृषि खेती सूख गई। समय चूक पुनि का पछताने, कि जब समय चूक ही गया, समय को जब हमने खो ही दिया तो पछताने से क्या मिलता है। तो आपने अच्छी तरीके से इस अनुच्छेद को समझ लिया कि इसमें क्या क्या ऐसी बातें कही गई, क्या क्या लिखना चाहिए, किन किन चीज़ों का आप वर्णन कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ अनुच्छेद लेखन आप भली भांति समझ गए हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे दूंगी अनुच्छेद के, आप एक अच्छा अनुच्छेद लिखने लग जाएंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।